Gibi. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة عبادت میں اضافہ ہو جائے گا صلوات سارے صحابہ اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں رہنما بھی بہت سے ہیں کون کس مذہب پہ ہے یہ ہمارا چیپٹر ہی نہیں ہے ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے ہم نظریات مسلط نہیں کرتے جو جس مذہب پہ ہے بے شک رہے لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے یقیناً ٹائم کم ہے اس سے پہلے اختر غدیری میرے بعد آغا رضوی میں بھی ریاض رضوی پریشان نہ ہو جانا کہ مولوی زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ ذاکروں کی مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں آپ سارا دن ذاکرین کو سنیں گے فضیلت آل محمد کے سارے پہلو بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ کے ذہنوں میں ہیں میں چند منٹ آپ کو زحمت دے رہا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ زندہ گفتگو کی جائے وقت کی بات کی جائے ہمارے ارد گرد ہمارے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے وہ بچوں کو آگاہ کیا جائے میں بورے والا کے اس سالانہ بہت بڑے نمائندہ اجتماع میں کہہ رہا ہوں کیمروں کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں کہ جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے میں کیسے معاشرے میں بات کر رہا ہوں جس معاشرہ میں شیعوں کو بندے شاید اتنا ماڑا سمجھتے ہیں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ بھی شیعوں پہ لگا دیا جاتا ہے میں شیعہ عزاداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان دہشت گرد قبیلے کے رجسٹرڈ دہشت گردوں سے کہہ رہا ہوں کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی نہیں آغا یہ تھوڑا کرم ہے پہلے آدمی سے لے کے آخری ماتمی تک اس سے ساری زندگی شکرانے کے نفلوں میں گزار دو شیعو تمہارا شکریہ اللہ کی بارگاہ والا پورا ہو ہی نہیں سکتا اتنا بڑا مالک کا کرم ہم غریبوں پہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑ رہے آپ
मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ये पैगाम दुनिया को क्या दे रहे हो? और तुम्हारा ये अच्छा हद पतक है जिनके बड़ों ने तहरीक पाकिस्तान में कायद आजम को काफिर कहा था। बेटा ये जिंदा तारीख है, कायद आजम को पाकिस्तान बनाने की वजह से, तहरीक पाकिस्तान चलाने की वजह से, इसके लिए आपको को सही बुखारी देखनी पड़ेगी कि हम जी किताब देखेंगे और फिर मोबाइल पर रिजवी साहब को सुभान अल्लाह कह देंगे। यार मैं मौजूद बात कर रहा हूं कि तहरीक पाकिस्तान में कायद आजम को काफिर कहा गया। कायद आजम को काफिर काफिरों ने नहीं कहा था, को गहरी बातें भी सुन लिया करो। ये वक्त की जरूरत है ये बातें। कायदे आजम को काफिर सादा मुसलमानों ने भी, अगर कायदे आजम को काफिर कहने वाले ये किबले काबे थे, और क्या पता क्या रहे थे, क्योंकि हिंदुओं की बैक थी, सपोर्ट थी हिंदुओं की, लिहाजा कह रहे हिंदुस्तान की गली गली में कह रहे थे मोहम्मद अली काफिर है, मोहम्मद अली काफिर है, मोहम्मद अली। वह नाम की शर्म ही कर लेते, शायद मेरी बात पे आप ध्यान नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया सर। और मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे भाई इमरान काजमी साहब की ये मेहनत बारगाह सैयदा में कबूल हो जाए और ये अदादारी के सिलसिले इनकी नस्लों में भी कायम और दायम रहें, इनके बुजुर्गों के साए सरों पे अल्लाह कायम और दायम फरमाए। मैं क्या कह रहा हूँ, मोहम्मद अली काफिर, जिनके बड़ों ने कायद आदम को काफिर कहा था ना, जिनके, अब तफसीलात में मैं जा नहीं सकता आप हर चीज़ सब, जिनके बड़ों ने कायद आदम को काफिर कहा था ना, उन्हीं के पोतरे कभी सेनेट की राहदारियों में फिरते, कभी कौमी असेंबली के चेयरमैनों से मिलते, कभी सेनेट के चेयर, और कहते पता क्या है, मुल्क हमारा है, यहीं पे कानून वही बनेंगे जो हम चाहेंगे। और दादे तेरे ने पाकिस्तान को काफिर कहा, तू हलाल ज्यादा कह रहा है, मुल्क हमारा है, बानी पाकिस्तान को तेरा अब्बा काफिर कह रहा था और तू कह रहे मुल्क हमारा है। तुम्हारी शुरू से ये चालाकी है, वारिसों को काफिर कहते हो, विरसे पे कब्जा रखते हो। नहीं नहीं आप ध्यान ही नहीं दे रहे मैं आपसे क्या कह रहा हूं। और मैं कोई, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर मुझे मौका दे जी, ये जी मेहरबानी, ये जी बिल मेरी तरफ देखे, मेहरबानी कर लो, ये जी बिल जो है ना, ये बिल पास होके रहेगा। और यार ये तरमीमी बिल इसको कहा जाता है, तरमीमी बिल का मतलब है कि कानून पहले से मौजूद है, उसमें थोड़ी सी तरमीम की जा रही। कानून पहले से क्या है कि जी जो सहाबा की तोहिन करेगा, ये जो पहले से कानून बना है जिस पे एफआईआरें हो रही हैं, वो कानून क्या था कि जी जो तोहिने सहाबा करेगा उसकी सजा 3 साल होगी। जो सहाबा की तोहिन करेगा उसकी सजा, मेरा ख्याल है 3 साल सजा काफी थी, वैसे अदद भी नेक था। नहीं नहीं नूर अहमद, नूर अहमद मेरी बात पर ध्यान दे, तू जरा थोड़ी स्पीड में है। हाँ नहीं कर्म करें जरा, वो 3 साल जो सजा तुमने मुकरर करवाई थी तो अदद नेक नहीं था, तो 3 ही पे सबर कर लेते।
अब तरमीम करवाते फिर रहे हैं कि जी सजा 3 साल थोड़ी है, उम्र कैद। ओए आप उम्र कैद करते फिर रहे हो, अगर हम कह देते कि उम्र कैद ही होनी चाहिए, हमारी तुमने जान खानी थी यार। मैं कोई बैठक में बातें नहीं कर रहा हूं, वक्त बिल्कुल तमाम हो रहा है। मैं कोई ड्राइंग रूम में बात कर रहा हूं। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, बूरे वाला सिर्फ शहरी नहीं है, कुर्बो जवार का विहाड़ी तक के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो शोर हो रहा है जी सहाबा के बार की जी तोहिन पे, ये जो सहाबा का इशू उठाए फिर रहे हैं ना, ये असेंबलियों में फिरने वाले मौलवियों में असल सुन्नी कोई भी नहीं है। सुन्नी तो कहते ही उसे हैं जो नौकर पंजतन का हो। चनियोट में ताजिए के जुलूस उठाने वाले अहले सुन्नत है, मुल्तान में ताजिए का लहसन, बाजारों में मातमी जुलूसों के साथ आने वाले अहले सुन्नत है जी। सुन्नी हमारे भाई है, ये सुन्नी तेरे भाई कब से बनकर, तूने सारी जिंदगी कहा ये सुन्नी या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये सुन्नी या नबी अल्लाह कहते हैं, ये जी या रसूल अल्लाह दीन में जायजी ने 12 मिलाद को शिरक समझने वाले आज कहते हैं जी हम सुन्नियों के नुमाइंदा हैं। और तू अगर सुन्नियों का नुमाइंदा होता तो तू रजब शुरू हो, मेरे मुल्क में एक बंदा भी चुप रहेगा, मुझे दुख होगा कि आपके इस मुल्क में 22 रजब के कुंडे शियों की तरह सुन्नियों के घरों में नहीं पकते। पता नहीं मेरी आवाज ही आप तक नहीं पहुंच रही, मेरी बात की तायद फरमाओ यार। और 22 रजब को मौला इमाम जाफर की नियाजे, 22 रजब के कुंडे, खुदा की कसम 22 रजब को पता नहीं चलता पिंड में गलियों में मोहल्लों में कि शिया घर कौन सा और सुन्नी घर कौन सा। 22 रजब की नियाजे आप मेरी तायद फरमा रहे ना कि 22 रजब के कुंडे अहले सुन्नत के घरों में एमए 5-7 साल ही हुए हैं, जैसे ही रजब निकलते यही तकफीरी मौलवी सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, मुसलमानों कुंडे ना खाना ना पकाना, कुंडे ना खाना ना पकाना। जी तशरीफ रखे, तशरीफ रख ले सर जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। देखो मैं समझा कुछ आकर लेके आए, ये सहाबा के बार का परचम उठाने वाले जैनियन सुन्नी नहीं है। आप इससे भी ज्यादा चुप कर जाएं, मैं फिर भी सही कह रहा हूं, इनमें असली सुन्नी है ही कोई नहीं, असली सुन्नी और 22 रजब के कुंडे ना खाएं। मीडिया रजब यकम इमरान शाह, कैमरे लगे हुए, नाम नहीं आपका लेना चाहिए। रजब का चांद चढ़ते ही सोशल मीडिया पे क्लिप आ रहे, कानून सदर के दस्तखतों की वजह से नहीं बन सका, जान हमारी खा रहे। एक मौलवी का क्लिप मुझे बच्चों ने दिखाया, एक तो इनकी शक्ल ही अल्लाह ने वैसी बनाई, ऊपर से जब इनका ब्लड प्रेशर आई होता है ना तो पता क्या कह रहा था, अब लड़ाई गलियों में होगी। ये शिया अपने आप को समझते क्या है, ये कानून भी बनेगा, जब तक नहीं बनेगा लड़ाई गलियों में होगी। और सहाबा को मान के लड़ाई की बातें करते अच्छे लगते हो, सहाबा तो सारी जिंदगी खुद लड़ाइयों से एहतियात करते रहे, सहाबा को मानते हो और तो अमन की बात करो, सहाबा को मानते हो तो मोहब्बत की बात करो, तेरी तलखियां खत्म नहीं होती जी। 22 रजब के कुंडे बच्चों ना पकाना ना खाना, ये शिया 22 रजब को किसी के मरने की खुशी करते हैं, और हमें जिसके जीने की खुशी नहीं थी,
मेरे बाप पे आप तवज्जो फरमा रहे हैं। मेंबर मेंबर मुझे भाइयों के हवाले करने और फजाइली में मेंबर मैन को दे रहा हूं। मैं कोई बैठक में बातें नहीं कर रहा, ये बातें ड्राइंग रूम में नहीं हो रही। ये आप क्या पैगाम देते फिर रहे हो कि जी सहाबा की तौहीन करने वालों को सजा मिलेगी? या पूरी इस्लामी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? अगर कानून बन भी गया, अगर कानून बन भी गया तो बाकी इस्लामी मुल्क क्या सोचेंगे कि ये पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां सहाबियों की इज्जत भी पुलिस के जरिए से होगी? नहीं नहीं नहीं, सारे बंदे इस बारीकी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। लिहाजा मैं इसी ऐलान के साथ मजलिस मुझे तमाम करना है। सहाबा के बार रजी अल्लाह है, रिजवानुल्लाह है, और जहां तक सहाबा की इज्जत का ताल्लुक है, जितनी इज्जत सहाबा की इस आजादार कौम ने की है, इस मुल्क में कोई और फिरका कर ही नहीं सका। आगे जो सच है मैं वो बता रहा हूं। हमने सहाबा के नाम पे चंदे नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे वोट नहीं मांगे, हमने सहाबा के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन इज्जत शियों जितनी सहाबियों की कौन करेगा? ये इज्जत है सहाबियों की कि शिया मर सकता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। बस बात खत्म होगी सर, यहीं पे मेंबर में भाइयों को दे रहा हूं। शिया मर जाते हैं, यजीद को रजी अल्लाह। कभी हमसे पूछो तो सही कि यार तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते? हम तुझे बताएं ताकि तुझे तौहीने सहाबा का क्लियर हो जाए कि कौन इज्जत करते कौन तौहीन करते। सदर मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब शिया नहीं है, उन्होंने ये कह के कानून मुस्तरद किया है कि इससे इंसानी हुकूक गसब हो रहे हैं। ये कैसा कानून है जिसमें जमानत भी नहीं? ये कैसा कानून है गिरफ्तारी के लिए वारंट भी नहीं? अब किबले काबे असल में अब नए इलेक्शन होने, अल्लाह जाने कब होने, नए इलेक्शन सर जी होंगे, नई असेंबलियां बनेंगी, नए MNAs आएंगे, नई काबीना बनेगी, फिर नई कमेटियां बनेंगी, उन कमेटियों में इस तेरी करारदाद पे फिर बहसें होंगी, और इस सारे काम में काफी देर है, आपको जल्दी है तो मैं तरीका बता देता हूं। ये काबीना शबीना का इंतजार ना करो, हमें एक बुजुर्गों की फहरिस्त दे दो कि तुमने इन इन की इज्जत करनी है। ओए हम इज्जत करने का मूड बनाते हैं और तुम आगे से बंदा बदल जाते हो। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं समझेंगे, सारे नहीं समझेंगे। और अगर सहाबा की इज्जत करवानी है पहले हमें सहाबा का क्लियर करो कि किस किस सहाबी की इज्जत करवाना चाहते हो। बस छोड़ रहा हूं, शिया मर सकता है, यजीद को रजी अल्लाह न हमने कहा है न हमने कहना है। तू सहाबियत के पर्दे में भी यजीद को ले आए ना, हमने फिर भी रजी अल्लाह नहीं कहना। बंदे पता है वो शियों की जिद में ये यजीद के वकील बने फिर रहे, सिर्फ आपकी जिद में, वगरना ये यजीद के प्रोग्राम से मुत्तफिक नहीं है। ये यजीद के प्रोग्राम से कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं? इनके घरों में बहने नहीं है,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और सारे ना ही समझो तो ठीक है, सिर्फ शियों की जिद में जी। वाकई करबला का यजीद जिम्मेदारी नहीं था। मैं कैमरों की मौजूदगी में फिक्र कह रहा हूं, मजहब है, मजहब आले मोहम्मद के मिंबर की एक तहजीब है, हमारी मजबूरी है, हम उस तहजीब के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। हम क्लियर बात तहजीब की वजह से नहीं कर सकते, लेकिन एक बात याद रखना, यजीद वाकई करबला का जिम्मेदार ना भी हो, इससे बड़ी गुंजाइश मैं क्या दूं। यजीद वाकई करबला का जिम्मेदार ना भी हो, वो फिर भी इस काबिल नहीं कि उसे रजी अल्लाह कहा जाए। मुश्किल बातें हैं, मुश्किल बातें हैं, इन बातों की वजाहत बाबा, इन बातों की वजाहत मिंबर आले रसूल पे मैं कर ही नहीं सकता कि यजीद का किरदार क्या था। ये इज्जत सहाबा है जो हम करते हैं कि शिया मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह नहीं कहता। बगैर वजाहत के फिक्रा कह के मेंबर में नाज़िमे मेंबर को दे रहा हूं, वो कभी पूछने की जहमत कर लो कि तुम शिया यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहते। वजाहत मैंने नहीं करनी, पता नहीं 10 बंदे 20 बंदे समझते हैं, 50 बंदे गहराई में जाते हैं, या हो सकता है सारा मजमा ही हिम्मत कर ले। शिया मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहता? ओए हमारा जहन इजाजत नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो मजलिस यहीं पे छोड़ देनी है। मैंने आपसे पहले कहा मैं वजाहत नहीं करूंगा, एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है, तो कुछ आप भी समझ लिया करो। शिया मर जाते हैं, हमारा जहन नहीं मानता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह, जो मौलवी सहाबी रसूल में लाख अदब से नाम लेता हूं, हजरत अबू बकर का नाम लेके रजी अल्लाह ताला अनहु खैर है, वही मौलवी उन्हीं मुसलमानों में 6 दिन के बाद खैर है, सैयदना हजरत यजीद रजी अल्लाह, पहले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह, अब हजरत यजीद। ओ शिया दुश्मनी में किधर जा रहे हो? यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रजी अल्लाह बचा लो। सपुर्दम सपुर्दम सामीन मोहतरम अज़दरान मज़लूम करबला, खिताब फरमा रहे थे खतीब अहले बैत जनाब क़िबला अलामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ खुशबुए क़िबला अलामा आगा नसीम अब्बास रिज़वी साहब, जनाब क़िबला अलामा आगा मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब आफ लाहौर, और इनके बाद जाकर मुसाफिर शाम जनाब कौसैन आसफ़ी साहब, और उनके बाद खुशबुए हाजी नासिर अब्बास नोतक, जनाब साइम रज़ा साहब आफ नोतक तशरीफ़ फरमाए, और उनके बाद सैयदुल ज़ाकरीन शहनशाह जनाब बाबा सैयद मज़हर अली शिराज़ी साहब आप हाथी वेंट भुलवाल खिताब फरमाएंगे बरअज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इंशाल्लाह 13 अक्टूबर सालाना मजलिस बामकाम वरियो वाला खोखरा कमलाना तहसील अहमद तहसील शोरकोट जिला झंग सालाना मजलिस मुनद होगी बरसी जनाब जवार मार असद अब्बास कमलाना मरहूम, जिसमें मुल्क भर के नाम वरलमाए कराम मजाक निज़ाम खिताब फरमाएंगे 10 रबीउल अव्वल बामकाम सतकोटा तहसील अहमदपुर सियाल जिला झंग सालाना मजलिस मुनद होगी 4 रबीउल अव्वल बामकाम इमाम बारगा हुसैनिया सतकोटा तहसील अहमदपुर सियाल जिला झंग निज़्दकोट बहादुर खान मोहम्मद अली खान खान मुंतजर मेहदी खान, जिसमें मुल्क भर के नाम वरलमाए कराम मजाक निज़ाम खिताब फरमाएंगे शिरकत फरमा कर सवाब अजीम हासिल करें बरअज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ, जितने भी मोमिनीन यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप इसी रास्ते से वापस जाया भी करें और अंदर भी आया करें, इस तरफ मत जाएं। बराए मेहरबानी मैं बार बार इल्तमास कर रहा हूँ, इसी रास्ते से जाएं और इसी रास्ते से वापस आएं। बर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।